ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं महेंद्र कदम माया के रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 15 मुखी रुद्राक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखो, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 15 मुखी रुद्राक्ष का जो भगवान है, देवता है, वो पशुपतिनाथ जी हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो मर्क्यूरी है यानी बुध है। और 15 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो है ओम रीम नमः। मैं फिर से एक बार मंत्र रिपीट करता हूँ, 15 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो है ओम रीम नमः। और 15 मुखी रुद्राक्ष जो जिस चक्र पे काम करता है वो चक्र है अनाटा चक्र, जिसको हम लोग अल्टरनेटली हार्ट चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे हार्ट पे लोकेटेड होता है, हृदय पे लोकेटेड होता है। दोस्तों, कई बार कैसे होता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि अगर उनको वो जिनके ऊपर प्यार करते हैं, अगर वो उनके इच्छा के अनुसार बर्ताव नहीं करते हैं तो उनको उन व्यक्तियों को बुरा लगता है, ग्रीफ की फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आती है और हर्ट की फीलिंग आती है। और कभी कोई अपना ही उनके साथ अगर वो बैकस्टैप करता है या पीठ पीछे बुरा बोल देता है, सामने अच्छा बोलता है पीठ पीछे बुरा बोल देता है, तो उनको फिर से वही ग्रीफ की और हर्ट की फीलिंग उनके मन में आ जाती है। वो उसी इंसिडेंट के बारे में, वो ग्रीफ के बारे में, वही बातों के बारे में सोचते रहते हैं मन में कॉन्स्टेंटली, और वो नेगेटिविटी उनके हार्ट में, हृदय में पाइलअप होते रहती है, जमा होते रहती है। वो इजीली उस घटना को, उस बात को जाने नहीं देते, मन से निकाल नहीं देते, वो मन में जमा करते रहते हैं। और इसी वजह से वो जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी का जो कचरा है, वो ऐसे अपने हार्ट में जमा होने के कारण हमको हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, क्योंकि हमारा हार्ट चक्र, अनाटा चक्र बंद होता है, और इसी की वजह से हमको कोलेस्ट्रॉल, एलर्जीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां होती हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी बात जो हमको छोड़नी चाहिए, नेगेटिव बात, जो बुरी बात है वो छोड़नी चाहिए, वो हम लोग छोड़ते नहीं, वो पकड़ के रखते हैं। तो इसी की वजह से हमको, जैसे मैंने कहा, ये बीमारियाँ होती है, फिर हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं रहती, हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग भावनिक हो जाते हैं। तो 15 मुखी रुद्राक्ष अगर ऐसे लोग 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके जीवन में एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, एक खुशी की फीलिंग आएगी। वो लोग महसूस करेंगे कि अभी हम लोग कोई भी बात होल्ड करके नहीं रख रहे हैं, पकड़ के नहीं रख रहे, आई मीन द नेगेटिव, और हम लोग अभी वो बात लेट गो कर रहे हैं, इसलिए हमको इंटरनली फ्रेश महसूस हो रहा है, इंटरनली हम लोगों को हैप्पी फील हो रहा है। मैं पहले जैसे टेंशन में, दुख में रहता था, वो अभी मैं नहीं रह रहा हूँ। और ये जो बीमारियाँ उसके वजह से होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो बीमारियाँ दोस्तों ऐसी है कि वो कोई भी कितनी भी दवाई ले तो परमानेंट हमारे शरीर से अप्रूट नहीं होती है। लेकिन अगर आप 15 मुखी रुद्राक्ष पहनोगे और वो 15 मुखी रुद्राक्ष से ये हम आपके जो भावनिक चेंजेस होते हैं, जो मैंने बताया इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, क्या पता अगर आपकी दवाइयों का इनटेक कम हो जाए, यू नेवर नो कि वो दवाइयाँ थोड़े दिन के बाद बंद भी हो सकती हैं। तो इसी की वजह से अगर 15 मुखी आप पहनोगे तो ये सारे अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में दिखने लगेंगे। पशुपतिनाथ का 15 मुखी रुद्राक्ष होने के कारण, हम सबको पता है पशुपतिनाथ यानी नेपाल का एक विश्वविख्यात मंदिर है, जिसके नाम से ये 15 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है। तो वो पशुपतिनाथ भगवान के आशीर्वाद भी आपको मिलते हैं ये रुद्राक्ष पहनने के बाद। मर्क्यूरी का रुद्राक्ष है, बुध का रुद्राक्ष है, तो मर्क्यूरी से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं ये 15 मुखी रुद्राक्ष दूर करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो है, अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट से हम लोगों को वो दूर करता है। कि एक मानवीय आदत होती है कि अगर मैं मेरे बेटे से, बहू से, प्यार से कोई प्यार करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उसको मेरे तरीके से ही चलना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। ये एक तरह का कंडीशनल प्यार हम लोग करते हैं, और फिर हमारे मन के इच्छा के अगेंस्ट हुआ तो हमको दुख होता है।
तो यही बात 15 मुखी रुद्राक्ष से दूर हो सकती है। तो आप सभी को निवेदन है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुझ में भी ये सारे सिम्टम्स हैं, मैं भी बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती है, तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। और किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन, फ्री रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको, हमारी टीम आपको सूटेबल योग्य रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ यूनिक वे में स्ट्रिंग करके देगी, प्राण प्रतिष्ठा करके देगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।